दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 सीरीज के बारे में, जो कि लॉन्च होने वाला था फरवरी में, बट अब इसका डेट आगे बढ़कर हो चुका है, जिसका मैं डेट आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 सीरीज के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या फीचर्स है इस फ़ोन के, क्या आपको मिलने वाला है, सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानोगे। दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका टेक टॉक में। तो दोस्तों, अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूं, तो आगे से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और रिफ्रेशिंग लुक लग रहा है। सैमसंग ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है इस A52 सीरीज को बनाने में, बट पीछे से वो ओल्ड लुक आ रहा है, जो कि मुझे ये पसंद नहीं आया। आपको भी हो सकता है पसंद आए या ना आए, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। पसंद आएगा प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी जो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात मैं अगर करूं, तो इसका डिस्प्ले आपको इसमें मिलने वाला है सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफाइंड रेट मिल रहा है, जो कि आपको आपके वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देगा। ये आपको सैमसंग ने इस प्राइस रेंज में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ोन दिया है। दोस्तों, अगर मैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की बात करूं, तो आपको इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर मिलेगा, जो कि ये प्रोसेसर 5G सपोर्टेड है, और 5G का लुत्फ़ आप इजीली उठा सकते हो। हालांकि इंडिया में 5G आपको भी पता है कि कैसा चलता है, अभी 4G का तो पता नहीं, 5G कैसा आएगा पता नहीं। मतलब एयरटेल ने ऑलरेडी हैदराबाद में हालांकि लॉन्च किया है, अब लेट्स सी कैसा होता है, बट हाँ, 5G का लुत्फ़ आप इस फ़ोन में उठा सकते हो। नेक्स्ट, इसके फीचर्स की बात करें, तो नेक्स्ट फीचर है बैटरी बैकअप की। दोस्तों, आपको इस फ़ोन में 4500 मेगाहर्ट्ज का बैटरी मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, और उस 4550 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ आपको 33 वॉट का बैटरी चार्जेस चार्जिंग कैपेसिटी भी मिल रहा है, जो कि आपको विद इन हाफ एन आवर में फुल बैटरी चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें, तो नेक्स्ट फीचर आपको ये फ़ोन दो कैटेगरी दो वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है। कौन कौन सा वेरिएंट है? पहला वेरिएंट है दोस्तों, आपको फ़ोन ये मिलेगा 8 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। दूसरा वेरिएंट जो मिलेगा आपको 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। तो ये इसका प्राइस रेंज क्या होगा, इसकी अगर बात करें, तो इसका प्राइस रेंज दोस्तों 25 to 27,000 के बीच में आ सकता है, यानी कि 27 भी नहीं कहेंगे, 20 to 25,000 के बीच में आ सकता है, जो जो नॉर्मल है प्राइसेस सारे फीचर्स के लिए। दोस्तों, अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा डेट की, लॉन्च डेट की। तो सैमसंग ने ये डिसाइड किया है, जैसा कि इंटरनली जो हमारे पास खबर आई है, कि सैमसंग ने ये फ़ोन लॉन्च करने का जो डिसीजन लिया है, ये मार्च के स्टार्टिंग वीक में लिया है। तो मार्च के स्टार्टिंग फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको ये फ़ोन अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।